सारा कुछ जेन्युइन अपना शेयर करो भाई, पूरा बहुत अच्छा फीलिंग्स भी आया, लेकिन थक गए ज़्यादा, लेकिन आप लोग भी कीजिएगा, बहुत इम्प्रूव होगा आपके बाइसेप्स और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बारे में। गौरव भी आज हमारे बताएंगे कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कितने प्रकार से बनते हैं, तो आइए आप हम लोग फॉलो करते हैं उसको, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। भाई देखते हैं आज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वर्कआउट, भाई बताएंगे भाई का बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पंप करके आएगा, पूरा का पूरा अर्म्स पंप होकर आएगा। कौन कौन से एक्सरसाइज करना है आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप लोग साथ साथ देखते रहो भाई, फॉलो करते रहो, बेहतर से बेहतर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो भी चाहिए आपको पूरा का पूरा अर्म्स बन जाएगा। कौन कौन से एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज होगा, वेरिएशन कुछ थोड़ा टफ होगा कुछ आसान होगा, बट मिक्स करके प्रॉपर आपका पूरा अगर आप देखो ये वर्कआउट तो परफेक्ट वर्कआउट बनेगा, जिससे कि आपका रिजल्ट मिलने में कम टाइम में मदद होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो भाई, आप लोग स्टार्ट हो जाओ, वर्कआउट करना है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का, किसी तरह का आपको क्वेरी है सारा कुछ इससे क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, सबसे कर लेंगे सबसे पहले अपने बाजू को पंप कर, पूरा आर्म्स को कर लेंगे पंप, तो हाथ को पूरा खोलो, पूरा खोलो कि आपका फ्रांस नीचे जो है यहाँ पे रखोगे, चलो लगाओ दस मिनट, चलो 10 9 चलो 8, इससे आपका ट्राइसेप्स आपका बाइसेप्स आपका फोरआर्म्स ऑल ओवर आर्म्स आपका पंप हो जाएगा, 6 5 4 इसका 2-3 से लगा लगाओगे तो आपको वर्कआउट जो करोगे तो आप देखना किस तरह का फर्क पड़ेगा, क्योंकि तो कोई भी चीज़ अगर वार्म करने के बाद एक्सरसाइज करके छोड़ दो, कोई भी चीज़ वर्कआउट वार्म करने के बाद अगर एक्सरसाइज कर दो तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक बार एक सेकंड पहला 2 सेकंड से कम से कम पंप कर लेते हैं, उसके बाद वेरिएशन तो पता ही नहीं भाई, 10 9 चलो बहुत अच्छे 8 7 पहला एक्सरसाइज है सिंपल एक्सरसाइज है, आपको आप याद नहीं जिम जाते हो आपका बाइसेप्स और बाइसेप्स डे है तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो भाई, हाथ पूरा खोल के थोड़ा सा बाहर करके जिससे कि आपका पूरा का पूरा बाहर आपका ये रिलैक्स हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बाइसेप्स पुश डाउन, जो कि रोप जब भी आपको आपको जिम में भाई है ठीक है, इससे पोस्चर पर ध्यान देना है मतलब क्या कि आपको यहाँ पे एल्बो कर लेना है लॉक ठीक है, पीछे आना है बाइसेप्स स्क्वीज, एल्बो को लॉक कर लेना है, पीछे आना है बाइसेप्स स्क्वीज ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा आपका टाइम और पीछे लेके जाना है पीछे लेके आना है लगाते हैं 10-15 हमारा पहला वेरिएशन जो कि हम टारगेट कर रहे हैं ट्राइसेप्स पे बाइसेप्स पे भी करेंगे, एक ट्राइसेप्स जिससे कि हमारा वर्कआउट खत्म हो, तो हमारा पूरा का पूरा जो है बाजू ट्राइसेप के साथ बाइसेप भी बन गया, ट्राइसेप बड़ा मसल है इसे ट्राइसेप का ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और बाइसेप्स का कम एक्सरसाइज करेंगे ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप लोग ट्राइसेप्स कम मारते हो तो आप लोग अच्छा होगा। चलो आ जाओ बाइसेप के हर एक एक्सरसाइज का 3 से 4 सेट भाई एक एक्सरसाइज करके बता रहा है, आपने करना है 3 से 4 सेट 15 से 20 से 25 रेपिटेशन अपने हिसाब से रखना भाई जितना आपका स्ट्रेंथ है। चलो सामने रखे एल्बो, इसमें भी एल्बो का ही खेल है भाई, एल्बो पीछे नहीं जाएगा, शोल्डर अपना छोड़ दोगे, इस तरह का रॉड वगैरह जो कि आप केबल क्रॉसओवर मशीन में लगा सकते हो सामने रख के लगाओ, चलो 10 9 8 7 अगर आप बाइसेप्स अभी भी ट्रेन किए हो उसके बाद अगर बाइसेप्स ट्रेन करोगे तो आपका बाइसेप्स का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और मतलब हैवी दिखेगा, जो क्योंकि आप बाइसेप्स को पहले पंप कर लिए बाइसेप्स बड़ा मसल है साथ में करो बाइसेप्स को पंप, बाइसेप्स और बाइसेप्स का एक ग्रुप में ट्रेन करो अलग अलग मत ट्रेन करो, बाइसेप्स का साथ में करते हो तो आपका पूरा का पूरा बाजू का साइज आपका इंक्रीज होकर आता है। चलो 3 2 1 ये 2 सेट हुआ, तीसरा नंबर एक्सरसाइज कौन सा करना है, तीसरा नंबर एक्सरसाइज करेंगे सिंपल चलो 4 चलो 5 आराम से 6 चलो 7 8 9 10 छोड़ दो, अभी क्या करना है सामने रखना है, अपने पर पकड़ो यहाँ पे लाओ यहाँ सामने सामने ले जाओ सामने ऊपर 1 2 ये दूसरा वेरिएशन है, आप पीछे ले जाते हो दूसरा वेरिएशन है सामने ले जाते हो दूसरा वेरिएशन है, तो इसके साथ साथ आप ऐड कर लूँगा ट्राइंगल लगता है फट के बहुत ही तरीके तरीके से पंप होके आ जाएगा ठीक है। आसान एक्सरसाइज है, वेरिएशन देखो ट्राई करो इम्प्लीमेंट करो वर्कआउट करो तो ऐड करो फिर बताओ कि बाबा इफेक्टिव है कि नहीं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ट्रेन करना है तो जैसे बता रहा हूँ सिंपल जो जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसका
फॉर्म करके आप लोग देखो, मैं सिर्फ फॉर्म बता रहा हूँ और एक एक से अप्लाई करके बता रहा हूँ, आपने करेंट चार्ज करोगे। अभी क्या करना है, ठीक बैक कराना है, कभी हम ट्राइसेप्स चेक किए, अभी करेंगे बाइसेप्स का। वेट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर सिंपल बाइसेप आपका कर रहा है, सिंपल बाइसेप कर रहा हूँ, हाथ यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के चलो दोनों साथ में। वन, अब हम करेंगे इसको प्रेस नीचे की तरफ, जिससे कि इसमें ज़्यादा टेंशन ज़्यादा फोर्स पड़ेगा और बाइसेप पर दीवार आएगा। आप एक्सरसाइज से पहले देखेंगे, एक्सरसाइज के बाद देखोगे किस तरह का पंप होगा, खुद ही आप फील करोगे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा आपको कि भाई इसका भी पंप हो गया, इसका भी बंद किया है, इसका भी पंप हो गया है तो हमारा भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलो 5, 4 वेन सर्वर भी दिखेगा भाई, चलो 3, चलो 2, 1 ऊपर रखो, यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चलो दसवा, चलो पाँचवा, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स, छोड़ो रिलैक्स करो। अभी अगर इसमें इसमें लगाना है क्या, ट्राइसेप डिप्स कराना है, यहाँ पे रखना है पाँच पॉइंट रखना है, ये इसे आगे ट्राइसेप डिप्स, चलो आगे एक बाइसेप से ट्राइसेप स्विच करते रहेंगे, जिससे कि हमारा कोई मसल पार्ट रेस्ट नहीं रहेगा, पूरा बाइसेप सबका बाइसेप ट्राइसेप सारा का सारा हमारा एक दूसरे पर बढ़ जाएगा। चलो 10 और 6, 9 और आगे थोड़ा सा, चलो 8 और 6, यहाँ पे ट्राइसेप के लिए एक बाइसेप एक ट्राइसेप, एक बाइसेप एक ट्राइसेप, जिसमें हमारा वर्क भी चलता है, ठीक है। जिसे ये कर रहा है उसका वर्क भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भाई हल्के चौड़ा करने का कैसे चौड़ा करेंगे, तो भी रोप से करेगा भाई, ठीक है। रोप से क्या करना है, सिंपल इस तरह से जिस तरह से बिल्कुल पकड़ना है पकड़े, इस तरह से काम करेंगे हम अपने बाइसेप की चौड़ाई, जिससे कि हमारा बाइसेप का ये जो व्हिप है भाई ये बढ़ के आएगा और कोई दिखेगा। चलो आगे, अभी नेक्स्ट सेक्शन पर हमारे बाइसेप के लिए कुछ नहीं करना है, ग्रिप इसी तरह रहेगा जिस तरह रोप का है, ऊपर आके इस तरह से बाइसेप की चौड़ाई। चलो 5, 1, 6, 4, 3, 2, 2, 2, 2 बाइसेप चौड़ा क्यों नहीं आ रहा है, अच्छी तरह से अच्छा छोड़ रिलैक्स। नेक्स्ट सेक्शन हमारा होगा फीचर कर्ल मसल, इस पर लगाएंगे, इससे क्या होगा हमारा बाइसेप राउंड हो जाएगा, बाइसेप गोला होकर नहीं आता है भाई, बाइसेप का कुछ सेक्शन होता है जिससे कि हमारा बाइसेप राउंड हो गया। रिएक्शन ऐड करेंगे भाई, इस तरह का मशीन आपके जिम होगा फीचर का, इस पर लगाएंगे। थोड़ा बात नेक्स्ट सेक्शन, इसमें सारे एक्सरसाइज का तुमसे 4 से 5 तक नाप होगा, ठीक है। अब इसे रॉड से लगा रहे हैं, रॉड के बाद 5, 5, 7 इसमें भी आप लोग यूज कर सकते हैं। चलो ऊपर हिप पे प्रेस करूंगा, प्रेशर डालूंगा इसके बाइसेप्स पे, 2, चलो 3 वर्कआउट के बाद दिखाएगा भाई फ्लेक्स करके कितना पंप कर लूंगा। चलो 4, चलो 5, 6, चलो 7, 8 और 6, 9, 10 एक और 11, चलो चलो चलो। अभी क्या करना है, बैटरी लेना है, बैटरी लेना है, इसको इसको ऊपर लेके आना है रॉड को इस सामने ट्राइसेप्स के लिए, हाँ कर इससे क्या होगा, सारा का सारा जो फोकस हो रहा है आपके बाइसेप मसल से ऊपर की तरफ, आप क्या कर रहे हो लिफ्ट कर रहे हो अपने बाइसेप के मसल से लिफ्ट कर रहे हो वेट को, 4, 3, 2, 1 चलो छोड़ दूसरे हाथ से, 5, 4, 3, 2, 1 तो ये हो गया मेरे बाइसेप के राउंडनेस के लिए भाई, बाइसेप राउंड होकर नहीं आ रहा है, तो ये सारा चाहिए सही से आप ऐड कर सकते हो भाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा भाई किक बैक, सभी क्या था हमारे बाइसेप्स के इधर, ठीक है, बाइसेप्स को
अभी लगाने नहीं पड़ेगा, हमारा किकबैक्स इसमें किस तरह से इसका रखना है, ऐसा के ट्राइसेप स्क्वीज, ठीक है, इसको लगाएंगे भाई मशीन पे, मैं बोलता हूं डंबल से भी लगा सकते हो बट मशीन पे पहले लगाएंगे फिर डंबल से लगाएंगे, एक एक से करके लगाएंगे दोनों पे, ठीक है। मशीन पे क्या करना है आपको, इस तरह से करना है, फिक्स करना है मशीन को यहां पे, ठीक है। फिर क्या करना है, इसके ट्राइसेप स्क्वीज, ये इसके ट्राइसेप स्क्वीज, आसान तरीके से ट्राइसेप बनाना है, बाइसेप बनाना है भाई के साथ, फॉलो करो भाई का वीडियो, फॉलो करो भाई का वर्कआउट, फॉलो करो भाई का सपोर्ट, तब रिजल्ट होगा, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, एलो लॉक करो, इसे के ट्राइसेप शुरू, चलो इसे करो, वन चलो टू, एल्बो नहीं जाएगा, एल्बो नहीं जाएगा, चलो थ्री चलो फोर चलो फाइव बहुत अच्छे, सिक्स सेवन, ट्राइसेप देख रहे हो आपको किस तरह से काम हो गया है, ट्राइसेप तो अभी एक साइज से पहले कैसा था और वर्कआउट किया जैसे किया है, पंप होना स्टार्ट हो गया, फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है। थोड़ा सामने की तरफ झुक के रहोगे आप लोग को, अगर थोड़ा सामने की तरफ झुक के जैसे कि ज़्यादा और ज़्यादा टेंशन पड़े आपके ट्राइसेप के साथ, थोड़े हिसाब से करो, पाँच चार तीन दो, आपको काट जाना है, ठीक है। बैठने के बाद क्या करना है आपको, गर्दी बार को फिर यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है और अपने पाँव पे टच करके ऊपर, पाँव पे टच करके ऊपर इस तरह करके 10 रिपीटेशंस लगाओ, आके आके लगाओ, फिर बताना रिजल्ट, ट्राइसेप्स के पंप तो अभी ऐसा बाइसेप्स में, चलो तब टच करके ऊपर, चलो वन बहुत अच्छे, टू बहुत अच्छे, चलो थ्री बहुत अच्छे, पंप देख लो आप लोग बाइसेप्स का किस तरह से वर्कआउट करने के 5 मिनट बाद ही किस तरह पंप मिलेगा, तो अगर आप परफॉर्म के साथ 3-4 सेट के साथ लगाओगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, जिससे कि आप बोलोगे कि हाँ भाई मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि और भाई जो भी वर्कआउट करो ना तो गंजी पहन के या फिर कपड़े कपड़ा खोल के करना, जिससे कि आपका शीशा में देखोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, प्लस आप जिस मसल ग्रुप पार्ट में काम कर रहे हैं उस मसल को सामने देख ही पाओगे कि हाँ भाई काम बड़ा कर ही हो रहा है, शीशा सिर्फ सेल्फी करने के लिए नहीं है भाई, काम करने के लिए। चार तीन दो एक, सोलो सोलो सोलो, खड़े हो खड़े हो खड़े हो, लगाओ खड़े हो, दस मिनट, चलो दस पाँच नौ चलो आठ सात, अब सारा कुछ अपना जेन्यून एक्सपीरियंस करेगा ना कि वर्कआउट किए हो तो कैसा फील हुआ है, कैसा पंप हुआ, जिससे कि भाई लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तीन दो एक, एक और एक, एक और एक, चलो चलो नेक्स्ट होगा अपना प्लेट को किसी के तरह को इस तरह से ब्रैकेट ट्राइसेप्स की, ब्रैकेट ट्राइसेप्स की इस तरह, चलो आला ट्राइसेप्स के लिए, चलो टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, छोड़ अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कैसे किए थे, स्टार्ट कैसे किए थे, हाथ खोल के बाहर की तरफ करके एक्सरसाइज को खत्म किया, चलो इस एक्सरसाइज से आपको जो आपको याद होगा वर्कआउट के लिए कौन सा एक्सरसाइज यूज किए थे, उस एक्सरसाइज से वर्कआउट के बाद भाई वर्कआउट को खत्म करते, चलो दस नौ चलो आठ चलो सात छः हो गया चलो पाँच चार हो भी जाएगा, हो जाएगा थक गया भाई कोई बात नहीं, रिलैक्स आप लोग कोशिश करोगे पाँच पाँच का ही लगे लेकिन दो तीन से चार लग करके अब पता क्या रिजल्ट मिला, पंप मिला कैसा पंप हुआ सारा कुछ जेन्यून अपना शेयर करो भाई, पूरा बहुत अच्छा फीलिंग्स भी आया लेकिन थक गए ज़्यादा, लेकिन आप लोग भी कीजिएगा बहुत इम्प्रूव होगा आपके, भी करो मैं भी एक बिगनर हूँ, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, आप लोग भी करो अच्छे से करो, थैंक यू करता था पहले ये बहुत अच्छा लग रहा है, सही पूरा पंप हो गया, ठीक है भाई इफेक्टिव, सुन लिया आप लोगों ने जेन्यून क्या एक्सपीरियंस किया वर्कआउट से, तो अगर आप लोग भी करोगे इस तरह का वर्कआउट तो आप लोग को इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप लोग 3-4 सेट करोगे, टाइम लेके करोगे, तो इसको तो मैं एक एक सेट करके कराया हूँ कि सारा एक सेट कम्प्लीट कर, तीन दिन रिपीटेशन जरूर मानना, 3-4 सेट कराना, रिपीटेशन तो 10-15 भी लग सकता है, 10-15-20 लग सकता है, मिलते स्टे सेफ स्टे हेल्दी, और भाई का भाई पंप हो गया बिल्कुल, दिखा दो फ्लेक्स करके एक बार, बहुत अच्छी है बिगनर ही है बट धीरे धीरे करके काम होगा, आपको कभी काम होगा भाई स्टार्ट करो, ठीक है भाई मिलते हैं।